सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के बाद कितने दिनों में आपको पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलनी शुरू हो जाती है, और कैसे आपको पता करना है कि आपको इंस्टॉलमेंट जो है कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इसके लिए बेनिफिशियरी स्टेटस और सेल्फ ऑफ रजिस्टर्ड स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड और CSC फार्मर कॉर्नर से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हम खोल के आपको बता देते हैं। सबसे पहले बेनिफिशियरी स्टेटस आपने इस तरह से खोल लेना है, और ये यहाँ से आपने अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर से आपने यहाँ से उसको इंटर करके गेट डेटा कर देना है, या फिर आप CSC से आपने रजिस्ट्रेशन किया है या सेल्फ रजिस्टर्ड किया है तो आपने ये किस तरह से खोल लेना है, और यहाँ आप आधार नंबर से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि स्टेटस से हम आपको पहले बता देते हैं, स्टेटस में इस तरह से आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन की डेट, जो रजिस्टर्ड की डेट आप यहाँ देख सकते हैं 18/12/2019 है, यानी कि इसी महीने की 18 तारीख को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आप नीचे PFMS रिस्पॉन्ड डेट देख सकते हैं, 18 को इसमें अप्लाई किया है और 19 को PFMS ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अब दोस्तों, इसमें आप उसके बाद नीचे देख सकते हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो RFT में चला गया है, यानी फंड रिक्वेस्ट की जो फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो भी इसमें हो चुकी है, यानी कि इसमें 15 से 20 दिन में पहली किस्त भी इसमें मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आवेदन करने के लगभग एक महीने में ही पहली किस्त इसमें मिलनी शुरू हो जाती है, अगर आपके सारी जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन फॉर्म में जो लगाते हैं, जैसे कि आपका जो बैंक की जो डिटेल्स है, आधार कार्ड और जो आपका जो ज़मीन की जो डिटेल्स होती हैं, अगर आपने बिल्कुल सही सही लगाई है और पूरी जानकारी आपने दी है तो आपको इसमें कुछ ही दिनों में आपको जो किस्तें इसकी मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है कि आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट जो मिलती हैं वो आपको 15 से 20 दिन में ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपको स्टेटस का बता देता हूँ कैसे आपको ये चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सेम ये वही स्टेटस आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुँचा है, यहाँ से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों, आपकी जो पूरी जानकारी है वो आपको साथ में देखने को भी मिल जाएगी, आपकी बैंक डिटेल, IFSC कोड और जो आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, रिमार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अब आपको एक और स्टेटस में बता देता हूँ, ये इस तरह से ये स्टेटस आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं ये अभी कुछ ही दिन पहले ये भी इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें RFT दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, जैसे कि आप कमेंट में पूछते हैं कि आपको काफ़ी दिनों से जो है आपका RFT दिखा रहा है या FTO दिखा रहा है या रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो दोस्तों आपको आवेदन करने से पहले पूरी डिटेल्स अपनी सही सही से चेक कर लेनी है, और सही सही से आपको डिटेल्स निकाल लेनी है, तभी जाके आपको इसका फॉर्म भर रहे है, और तभी इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट सही से हो पाएगा और आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे आपको जो ज़मीन की जो डिटेल्स डालनी होती है वो कैसे आपको सही सही से निकालनी है, और कैसे आपको निकालनी है जो आपकी जो ज़मीन की डिटेल्स होती है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर या खसरा वगैरह जो आपको निकालना होता है, कैसे आपको पूरी डिटेल्स सही सही निकालनी है जो कि आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए दोस्तों अलग से वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, कैसे आपको ज़मीन की जो डिटेल्स होती हैं वो सारी निकालनी है और कौन कौन सी डिटेल्स आपको आपकी खतौनी में से उसमें लगानी होती हैं वो आपको पूरी बताई गई है, और कैसे फॉर्म में कहाँ कहाँ
आपको डिटेल्स कैसे भरनी है और सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट कौन सा होता है, कैसे पता करें कि सिंगल है कि ज्वाइंट है, पूरी डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।